जयपुर पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कार्रवाई की है। बीकानेर में दो संदिग्ध जासूस पकड़े गए हैं। आईबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम दोनों को पकड़कर पुलिस मुख्यालय लेकर पहुंची है। दोनों जासूसों से गहन पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आईबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीकानेर से दो संदिग्ध जासूसों को पकड़ा गया है और उनको पुलिस मुख्यालय में पूछताछ के लिए लाया गया है। दोनों जासूसों से गहन पूछताछ की जा रही है। आखिर किन जानकारियों को ये लोग जुटा रहे थे और किसको ये जानकारियां पहुंचा रहे थे, इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम बिंदुओं को लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। बीकानेर से दो संदिग्ध जासूसों को पकड़ा गया है और इनको पुलिस मुख्यालय लाया गया है, जहां पर इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, दो जासूस पकड़े गए हैं, दोनों से क्या इनपुट मिल रहे हैं, क्या इनके मंसूबे थे? देखिए आशीष, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि काफी दिनों से जो राजस्थान इंटेलिजेंस की जो टीम थी, जो ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए हुए थी, और उसी के अनुसार यहाँ पर जो इंटेलिजेंस की टीम ने दो संदिग्ध जासूसों को यहाँ पर पकड़ा है, जो कि बीकानेर में महाजन फील्ड रेंज में आर्मी कैंप में ये पानी सप्लाई का यहाँ पर काम करते थे और साथ में कुक भी थे यहाँ पर। तो ऐसे में जब लगातार जो आईबी की जो टीम थी वो इन पर नजर रखी हुई थी और टेक्निकल जो एविडेंस था उसके आधार पर आईबी की टीम ने यहाँ पर दोनों जासूसों को पकड़ा है और उनको पकड़ करके जयपुर जो पुलिस मुख्यालय है, वहाँ आईबी का जो मुख्यालय है वहां पर लेकर आए हैं। इन दोनों जासूस से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि दोनों जासूसों के पास से यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो सूचना, सामरिक जो सूचना है वो भेजने के इन पर आरोप लगे हुए हैं और एक ऑडियो जो क्लिप है वो भी यहाँ पर जो आईबी के हाथ लगी है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल जो एविडेंस है वो भी आईबी के हाथ लगे हैं, जिसमें ये बात पुख्ता हो गई है कि दोनों जो युवक है, संदिग्ध युवक है, ये पाकिस्तान में सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे और इसी को लेकर के यहाँ पर आईबी की टीमें लगातार कल देर रात से इनसे पूछताछ कर रही है और फिलहाल कुछ देर में दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद बात निकल करके सामने आएगी कि किन किन लोगों को यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी चंगुल में लिया है, किन किन लोगों को फांसा है जो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर सूचनाएं भेजने का काम करते थे, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम करते थे। फिलहाल आईबी की टीम यहाँ पर कड़ी इंट्रोगेशन कर रही है इनसे और कुछ देर में फिलहाल इनको गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और उसके बाद सब चीजें निकल करके सामने आएगी। क्योंकि जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी डालने के बाद वो तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह की जो सूचना इन्होंने लीक की है उन सबको प्रेस के माध्यम से यहाँ पर ब्रीफ करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार जो ये बात साबित हो गई है कि जो पाकिस्तान है वो लगातार भारत में आकर के भारत हुकूमत पर यहाँ पर जासूसी करवाने की जो आरोप लगते रहते वो कहीं ना कहीं एक बार सिद्ध हो गए हैं। क्योंकि दोनों जो जासूस पकड़े गए हैं उनसे ये प्रूव हो गया है कि पाकिस्तान ने दोनों जासूसों को यहाँ पर अपने यहाँ पर रखा हुआ था, जो आर्मी कैंप में यहाँ पर कुक के जरिए और यहाँ पर पानी सप्लाई का ये काम कर रहे थे। बिल्कुल जी यादवेंद्र, यहाँ पर एक सवाल जानना चाहेंगे कि इनके पास से किसी प्रकार के कोई उपकरण बरामद हुए हैं जिनसे कि ये यहाँ की सूचनाएं पाकिस्तान भेजा करते थे, किसी प्रकार की कोई सिम, कोई मोबाइल डिवाइस? देखिए मैं आशीष, मैं आपको बता दूं कि मैं चूंकि आईबी जब कार्रवाई करती है तो यूं ही कार्रवाई नहीं करती, उनके पास टेक्निकल एविडेंस होते हैं, उन टेक्निकल एविडेंस के आधार पर ही आईबी है जो ये कार्रवाई करती है और इसी के आधार पर जो आईबी की टीम को इनके पास से कुछ मोबाइल फोन है, कुछ गैजेट्स है, इसके अलावा कुछ ऐसी सिम है जो बरामद हुई है, जो उस सिम का प्रयोग लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसका प्रयोग लगातार पाकिस्तान में जो सामरिक सूचनाएं भेजने के काम में लेते थे। जब आईबी को जैसे ही पता चला तो उसके बाद बीकानेर में इनके टच में आने वाले जो तमाम लोग हैं उनको आईबी की टीम ने यहां पर राउंड अप किया और उनसे पूछताछ की। फिलहाल तीन लोगों को यहां पर पुलिस ने, माफ कीजिएगा, जो आईबी की टीम ने यहां पर राउंड अप किया है, जिनमें से दो को यहां पर यह तय हो गया कि दो जने जो थे वो उनमें जासूसी करा करते थे। फिलहाल तीसरा जो युवक क्या इनके जासूसी प्रकरण में शामिल है या नहीं है, इन सब चीजों को लेकर के कुछ देर बाद यहां से पटाक्षेप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यादवेंद्र, आप तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने अपडेट दी। बीकानेर से दो संदिग्ध जासूस पकड़े गए थे जिनको पुलिस मुख्यालय लाया गया है। पुलिस मुख्यालय में इनसे सघन पूछताछ की जा रही है। आईबी की टीम ने कार्रवाई की थी, इन दोनों पर जासूसी के आरोप हैं और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है।